आप जो कहते हैं सही बात है, म्यूज़िक अवार्ड्स है इसलिए मैं यहाँ हूँ, और जहाँ म्यूज़िक रहता है वहाँ मैं रहता हूँ। तो आई एम रियली हैप्पी कि जीवा अवार्ड्स फिर से एक बार ये साल होने वाला है और मैं उसमें जूरी में हूँ, तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि म्यूज़िक को बहुत सपोर्ट किया जा रहा है। जी नहीं, जो लीगल बात है वो लीगल बात है, वो तो कोई आर्ग्यू नहीं कर सकता है ना। जो गवर्नमेंट का जो लॉ है वो लॉ तो वही रहेगा, लेकिन लोग जो कहते हैं करते हैं वो अपनी अपनी मर्जी से करते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से जो राइट है वो राइट होना चाहिए। जो मैंने खुद मुंबई के लिए फोर्टिस हॉस्पिटल्स के लिए मैंने एक मुंबई के लिए गाना किया था, वर्ल्ड हार्ट डे के लिए। मुंबई की धड़कन खास है हमारी शान, मुंबई की धड़कन में जान है हमारा है ईमान, मुंबई की धड़कन में जान है हमारी शान, मुंबई की धड़कन में जान है आजमा ले मेरी जान, ये है दिल की बात। You've got to take a little care of your heart. विजुअल और बाइट दोनों, विजुअल भी और बाइट भी, पर कौन नहीं है बाइट के लिए? आई एम ऑलवेज वेरी हैप्पी टू बी पार्ट ऑफ जीमा। जब से जीमा शुरू हुआ है मैं बीन पार्ट ऑफ इट, और अभी जूरी में भी हूँ, और मुझे बहुत खुशी है कि ये बहुत एस्टैब्लिश हो चुका है, और सिर्फ एस्टैब्लिश सिंगर्स नहीं, नए उभरते हुए लोग वेट करते हैं कि उनके एल्बम को यहाँ अवार्ड मिले तो उनकी करियर की एक शुरुआत हो, एक पहचान हो जाए। तो आज जो भी विनर्स हैं उनको मेरी शुभकामना, नॉमिनीज हैं उनको शुभकामनाएं, और जो जीतेगा कंग्रेचुलेशन, वेरी हैप्पी टू बी देयर। मैं बिल्कुल इसरा और साई की मेंबर हूँ और उनकी बातों से बिल्कुल सहमत हूँ। बस ये वक्त आ गया है कि सिंगर्स को इज्जत से काम करने का मौका मिले। सारी दुनिया में जब सिंगर्स को इज्जत मिल रहा है, हॉलीवुड में हर जगह पे, तो इंडिया में क्यों नहीं? तो मैं ज़रूर पार्ट ऑफ द एसोसिएशन हूँ, और मेरी एसोसिएशन की जो भी डिसीजन होगी उसके साथ साथ मैं हूँ, बिल्कुल साथ सहमत हूँ। अभी यहाँ मैं कैसे गाऊँ? अभी आवाज पहुँचेगी। आई लव माई इंडिया, I love my India, ये दुनिया एक दुल्हन। मेरे सारे प्यारे भारतवासी भाइयों और बहनों को मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं, और ये 26 जनवरी की जो दिवस है इससे हमारी डेमोक्रेसी जिंदा रहे, और हम एकदम एक बहुत बड़ा देश, विश्व में बहुत बड़ा देश हमें माना जाए, यही मेरी दुआएं हैं। थैंक यू।
जब भी होता है तो हम लोग बहुत एक्साइटेड रहते हैं, क्योंकि यहाँ पर पूरी फ्रेटर्निटी एक साथ आती है और हम लोग बहुत मजे करते हैं। एंड आई एम वेरी हैप्पी दैट सिद्धार्थ परफॉर्मिंग टुडे। अब कोशिश करेंगे पूरे ऑडिटोरियम को जिंदा करें, बट बहुत मजा आने वाला है। एंड इतने लवली आर्टिस्ट हैं, सबके साथ स्टेज शेयर करने का मौका मिल रहा है। कैसे जी, आपको ये साल से अवार्ड जीतते आ रहे हैं, अवार्ड इस बार भी नॉमिनेट है, कल भी हम बात की थी, जब इन्होंने पहला अवार्ड दिया तो हमने देखा बड़े खुश से हो गए थे। कैसा लगता है जब फादर कैन नॉट बी मोर हैप्पी। मैंने इतने सारे अवार्ड लाइफ में ले, लेकिन इसको एक अवार्ड मिला तो उससे ज्यादा खुशी मुझे लाइफ में कभी नहीं हुई है। रिपब्लिक डे आ रहा है, पेट्रियोटिक सॉन्ग सुनना सुनना बहुत महान आदमी, एक गाना कोई अगर आएगा जो लक्ष्य है तेरा, लक्ष्य को हर हाल में पाना है। Hi, this is Shankar. Hi, I'm Siddharth. And we wish you a very happy Republic Day. Bharat Mata Ki Jai. जी बहुत बहुत एक्साइटेड हूँ मैं तो कहता हूँ। बार बार ऐसे म्यूजिक अवार्ड्स हुए जहाँ पे हम सब सिंगर्स इकट्ठे हों, सब सिंगर्स हम मिलें, यहाँ पे अपनी यूनिटी दिखाएं, यहाँ पे आए परफॉर्म करें। और आज मैं शुरुआत करने जा रहा हूँ, शो की शुरुआत मेरे से होगी और मैं गंदी बातें नहीं करूँगा, लेकिन गंदी बात गाना गाऊंगा एंड अगल बगल गाऊंगा, टू गाऊंगा, साव में लग गया गाऊंगा जो मेरा पहला सॉन्ग था। एंड काफ़ी नए नए सिंगर्स हैं, जैसे सिद्धार्थ जो शंकर जी का बेटा है उसका भी परफॉर्मेंस देखूंगा। एंड अंकित तिवारी का गाना सुनूंगा, यो हनी सिंह इज लाइक माई यंगर ब्रदर उनका गाना देखूंगा। सो वेरी एक्साइटेड कि ऐसे अवार्ड्स होने चाहिए जहाँ पे सिंगर्स को रिकग्निशन मिले। जी जी जी, आप क्या कहना चाहेंगे? वेल मैं दोनों के साथ हूँ, कई मुद्दों पे कंपनी राइट्स हैं, जो कंपनी बोलती वो भी सही है, कई उनकी बातें, क्योंकि मैं कंपनीज को भी मिला था और मैं सिंगर्स को मिला हूँ, बट मैं दोनों के साथ हूँ, दोनों की सपोर्ट करूंगा। जब मेरी हेल्प होगी, जब मेरी जरूरत होगी तो मैं सही मुद्दे पर उतरूंगा कि क्या उसका एंड होता है, बट आई एम डेफिनेटली विद सिंगर्स आल्सो। जी जी, कौन सा गाना गाऊं यार? मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, मेरे देश की धरती, मेरे देश की धरती सोना उगले उगले हीरे मोती, देश की धरती। गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। वेल सत श्री अकाल, मैं हूँ मीका सिंह और मेरी तरफ से आप सभी को, पूरे हिंदुस्तान को, पूरे हिंदुस्तानियों को 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और मैं भगवान से प्रार्थना करूंगा कि हमारा देश जैसे पहले आज़ाद हुआ था खुश रहे, कोई दुर्घटना ना हो, कोई बम ब्लास्ट ना हो, हम खुश रहें। एंड आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं, थैंक यू।